कैसे हैं फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। और कल देखिए बारिश हुई थी और आज देखिए कितना अच्छा मौसम है, एकदम धूप निकल गई है और बहुत ही अच्छा है। और अभी देखिए मेरा पूरा काम फिनिश हो गया है और यहाँ हमारी लाडो रानी सोई हुई है। अभी मैंने इधर पूजा भी कर ली हूँ और आज फटाफट पूरा काम हो गया क्योंकि आज मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी। तो देखिए सारे काम हो गए हैं। अब चलते हम किचन में, तो किचन में भी मेरे काफ़ी काम हो चुके हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ बन पक चुकी है मेरी दाल, इधर आटा गूंद के रख दी हूँ मैंने। और आज बना रही हूँ मैं आलू भट्टे की सब्जी और साथ में बनाऊंगी चावल। और आज हम इतने जल्दी उठ गए क्योंकि आज हमारे यहाँ कोई आने वाले हैं, तो हम फटाफट उठ के मैं काम कर ली हूँ। और अभी इसको नहीं उठाई हूँ क्योंकि ये उठ जाएगी तो मेरे काम नहीं होंगे इसलिए। और देख सकते हैं मैंने अभी क्लीनिंग की थी तो मेरा घर एकदम कितना प्यारा लग रहा है, देख सकते हैं सिस्टमैटिक रखा रहता है ना, कोई सामान कितना अच्छा लगता है, देख सकते हैं कितना प्यारा लुक लग रहा है घर का, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है अभी। तो फ्रेंड्स मैं चलिए आपसे फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो मैं अभी फटाफट और खाने की तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि अभी आने वाले हैं और यहाँ से मुझे थोड़ा सा अरेंज करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ क्लीनिंग हुई थी तो ट्रे जमाने के रखे हुए थे, तो मैंने सोची चलो अभी जमा लेती हूँ, सुबह के काम फिनिश हो गए थे। आज जल्दी उठ गए थे, भैया दीदी आने वाले हैं अभी, तो खाना आना भी बनाना था, कुछ काम था भैया का यहाँ पे तो वो आ रहे थे, तो मैं आज जल्दी उठ गई थी तो यहाँ सारे काम हो गए थे सुबह के। तो मैं यहाँ पर एक सामान भी जमा रही हूँ, फ्री थी तो इन्हें जमा लूँगी। और आज हमें कहीं जाना भी है खनक को ले कर, तो फ्रेंड्स हम यहाँ जा रहे हैं खनक का, कहाँ जा रहे हैं? तो भैया तो आके चले गए थे मीटिंग में, मीटिंग थी उनकी और दीदी और बच्चे सोए थे और हमें काम था बाहर, तो हम लोग जा रहे हैं खनक को लेके। तो फ्रेंड्स चलिए मैं बता ही देती हूँ, सस्पेंस नहीं रखती ज़्यादा। तो हम लोग यहाँ जा रहे हैं खनक का एडमिशन कराने के लिए। जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे हम। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं दो तीन दिन से सोच रहे थे एडमिशन कराने की, लेकिन इनको कोई भी काम आ जाते थे तो दो दिन से पेंडिंग जा रहा था और मुझे अभी घर जाना था तो इसलिए जल्दी सोच रहे थे कि एडमिशन हो जाए, तो फाइनली आज हो गया। और अभी 2 बजे से इनकी भी मीटिंग है, तो अभी 10 बजे से भैया की थी और 2 बजे से इनकी मीटिंग है। तो देखिए हम पहुँच चुके हैं स्कूल और ये गेट है, तो यहाँ से एंटर किए तो यहाँ पे साइन करना पड़ता है, एंट्री करनी पड़ती है जो भी आता है तो। और बहुत ही अच्छा स्कूल है यहाँ का ये, तो देखते हैं चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या है। तो ये देखिए रोड से लगा हुआ है, बहुत ही प्यारा। कुछ नहीं, और हम लोग इधर ही साइड रूम भी ढूंढ रहे थे कि पास में तो रूम बताना, मैं भी रूम ना, नहीं मिला भी सब लोग, तो अभी देखते हैं क्या होता है, कैसे आएगी खनक। तो चलिए चलते हैं अंदर और यहाँ चल रहे हैं खनक के टेस्ट। तो हमने खनक का एडमिशन UKG में कराया है, यानी कि नर्सरी और फर्स्ट क्लास नहीं, उसमें नहीं कराया है। तो यहाँ पे उसके टेस्ट ले रहे थे तो खनक ने सारी चीज़ें बता दी है क्योंकि उसके पापा उसको घर में पढ़ाते रहते हैं, तो इसलिए जिसमें हमें एडमिशन लेना था हमें वो क्लास में एडमिशन मिल गया है। तो यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं और यहाँ देखिए कितने सारे खिलौने रखे हुए, तो खनक तो देख के बहुत खुश हो गई थी कि मम्मा ये सब खेलने को भी मिलेगा, तो मैं कि हाँ बेटा ज़रूर मिलेगा, आप अच्छी पढ़ाई करोगे। तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी, जाते समय बहुत ज़्यादा नर्वस थी कि वहाँ क्या पूछेंगे। देखिए यहाँ पे खनक का एडमिशन हो गया है और खनक यहाँ बोले कि मुझे झूला झूलना है, तो इसे हम झूला झूलाने लेकर आए हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ का व्यू, का प्यारा सा व्यू है, ग्राउंड ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ये यहाँ बाहर का व्यू है और ये स्कूल बहुत ही अच्छी सी बिल्डिंग है, ज़्यादा बड़ा नहीं है और ज़्यादा छोटा भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिशन आज फाइनली हो गया है, काफ़ी टाइम से हमें आना था लेकिन टाइम ही नहीं निकाल पा रहे थे, तो देखिए आज ले आए हैं। और ये यहाँ झूले हैं, बच्चों को तो खेलने और खाने की ज़्यादा शौक़ रहता है, तो बस ये झूले देख के और यहाँ बैठ गई थी। तो ये बाहर का व्यू है, बहुत ही प्यारा व्यू है, काफ़ी छोटी जगह में है लेकिन काफ़ी अच्छा है और काफ़ी नाम चलता है इस स्कूल का, तो हमने सोचा चलो इसी में कराते हैं
काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है। और यहाँ पे ग्राउंड छोटा सा गार्डन है और यहाँ पे ये गार्डन अभी बन रहा है, ग्राउंड नहीं है ज़्यादा बड़ा, तो यहाँ देखो ये ग्राउंड बन रहा है इधर पे यहाँ बच्चों के लिए। इसको ना बस खेलना ही बस है उसका। हाँ इधर चलो, यहाँ से जाते हैं ऐसे, आ जाओ यहाँ से, आओ ना तो इधर आओ, यहाँ से वापस चलेंगे। हाँ तो चलो इधर चलो, यहाँ से उतरो यहाँ से। अरे देखो बहुत सारे टीचर लोग हैं, टेस्ट चल रहा है क्या? टीचरों का भी टेस्ट चल रहा है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स एडमिशन हो गया था, अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि अभी इनको 12:30 बज गया था, क्योंकि अभी इनकी मीटिंग भी है। तो अभी हमें घर छोड़ के और फिर ये मीटिंग में आ जाएंगे भैया को लेकर, तो भैया घर आ जाएंगे और ये अपनी मीटिंग में जाएंगे। तो काफ़ी खुश थी खनक वापसी में, बहुत ही अच्छे से बात कर रही थी, जाते वक्त तो बहुत ज़्यादा नर्वस थी। तो यहाँ पे हम लोग भैया का वेट कर रहे थे, हमने कॉल करके पूछा तो उनको टाइम था, तो फिर हम अकेले चले गए, भैया बाद में आएंगे। घर और इसका घर से आते चालू हो गया खाना, क्यों खाती है लड़की इतना घर में? खाना नहीं खाती, बस ये वो चीज़ें खाती रहती है। और आप हल्ला मत करना, सब सुबह नहीं गए भाई, चुपचाप से चलो। दरवाज़ा बंद कर दी थी आंटी ने रे। तो यहाँ पे दीदी लोग सोए हुए हैं, दरवाज़ा बंद कर दी थी, लाइट ऑफ है। तो फ्रेंड्स बहुत ज़ोरदार का मौसम बन रहा है, तो मैं कपड़े उठा के ले आती हूँ, नहीं तो सारे कपड़े हो जाएंगे गीले। आज छत पर डाली थी मैंने कपड़े, क्योंकि आज मौसम थोड़ा ठंडा सा था। ओ नो, देख सकते हैं पूरे कपड़े, ये पूरे कपड़े कैसे हो गए हवा से, सारे कपड़े उठाना पड़ेगा मुझे। चलिए मैं उठाती हूँ कपड़े, नहीं शाक हो गया पूरा कपड़ा। तो धूप निकली हुई थी तो मैं छत पर कपड़े डाल के चली गई, तो देख सकते कितना ज़्यादा मौसम बना हुआ है। तो मुझे तो दोपहर में नींद ही नहीं आई थी, तो मैं बैठी हुई थी तो मुझे बहुत हवा चलने लगी और मौसम बन गया, तो मैं सोची छत पर कपड़े उठा के ले आती हूँ। काफ़ी कपड़े सूखे भी नहीं थे, लेकिन फिर भी हवा से सारे कपड़े गिर गए थे नीचे, तो मैंने सोची चलो ले कर चलती हूँ, फिर नीचे ले जा कर डालूँगी। और दीदी और बच्चे अभी भी सोए हुए थे, तो आप लोग सोचते होंगे दीदी दीदी बोल रही हैं, तो आगे ब्लॉग में आपको पता चलेगी। तो ये मेरी देवरानी हैं, देवर जी हैं, बुआ सास के बेटे और बहू आए हुए हैं, तो उनके यहाँ भैया के यहाँ कुछ हो गया था, तो वो लोग वहीं से आए हैं डायरेक्ट घर से। तो उन्हें मीटिंग में जाना था, जो इलेक्शन की मीटिंग चल रही थी, तो भैया सीधे हमारे रूम आए, फिर थोड़ा सा खाना वाना खा के तैयार होके मीटिंग में चले गए। उसके बाद हम लोग शाम को सब लोग देखिए यहाँ घूमने निकले हैं 6 बजे, यहाँ शाम के 6 बज गए थे, तो भैया बोलते चलो सब लोग घूम के आ जाते हैं, थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। तो यहाँ दीदी थोड़ी अपसेट सी थी, क्योंकि उनके भैया के जो बच्चे थे 7 ईयर्स के, वो एक्सपायर हो गए थे, तो मैं भी ज़्यादा अच्छे से ब्लॉगिंग नहीं कर पाई थी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना। तो पर उनका मन बहलाने के लिए हम लोग सब लोग घूमने चले गए थे, बच्चे भी बोल रहे थे चलो गार्डन चले गए थे। इधर तो देखो, मेरे तरफ देखो, खाना इधर तो देखो, इधर इधर ये। तो ये है वो दीदी भैया और उनके ये दो बच्चे और खनक और खनक के पापा, और हम सब यहाँ पे घूमने आ गए थे। तो थोड़ी देर गार्डन में घूमे और फिर सामने चौपाटी है, तो वहाँ आइसक्रीम खाए और मंचूरियन खाए बच्चे लोग, और फिर उसके बाद हम घर चले गए थे। तो 8 बज गया था जाते जाते, यहाँ तो अभी शाम हो गई है, 7:30 लगभग बज गया है, तो यहाँ बच्चे काफ़ी गुल मिल जाते हैं, आते हैं गार्डन में तो जाने का मन ही नहीं करता है, तो बस इसके एक के बाद सारी चीज़ें कर करके देख रहे थे। तो काफ़ी टाइम हो गया था, तो फ्रेंड्स मैंने आगे का वीडियो नहीं शूट कर पाई थी, क्योंकि घर जाते जाते 8 बज चुका था रात में। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें बच्चे करके देख रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे, उसके बाद आइसक्रीम। तो अब दीदी का चेहरा भी देख सकते कि वो इतनी सैड थी, यानी घूमने भी आई थी पर उनका मन वही था कि उनके भतीजा और एक ही बेटा था उनका, 2 बेटियाँ थी, तो काफ़ी यानी सोच सकते हो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन भगवान के आगे किसी की मर्ज़ी नहीं चलती है। तो बस यहाँ हम लोग सोचे चलो घूम फिर के आते हैं। तो यहाँ देखिए खाना कितने बड़े उससे कर रही है, और इसने 2-3 बार यहाँ से किया और बोले देखो पापा जी, फिर यहाँ पे आ गई है। तो ये देखिए बड़े बड़े बच्चों की बराबरी करती है ये भी। तो
तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब किया करिए, चैनल पर आते हैं तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए ब्लॉग्स को। तो यही था आज का वीडियो और खनक की मस्ती। मिलते हैं ऐसी कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो वॉच करने के लिए। तो यहाँ ये मंचूरियन इंजॉय कर रहे हैं, तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप अपना बेहद ख्याल रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट फ्रेंड्स।